मेरे बेटे को बंदर बना के रख दिया तुमने। जो मैं तुम्हारे साथ करने वाली हूँ ना, तुम्हारे 14 तबक रोशन हो जाएंगे। सारा स्लीपिंग पिल्स ले रहे और वो भी इतनी हाइपरटेंसी की। मैं तुमसे आज फिर वादा करता हूं कि हालात कैसे भी हो, मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। नाश्ता तैयार है साहब। नाश्ता बेगम साहब ही करेंगी बैठकर, मुझे बहुत देर हो रही है। 2 मिनट लगेंगे। बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मेरी कॉल पे कॉल आ रही है बैंक से। और मैं ऑफिस किसके साथ आऊंगी? गाड़ी भिजवा दूंगा ना। मैं तो कहती हूँ 5 मिनट लगेंगे, आप नाश्ता कर लें, मैंने खुद बनाया। कल करेंगे, प्रॉमिस। चलता हूँ मैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम आंटी। बड़ी खुश नजर आ रही हो तुम अपनी कामयाबी पर, है ना? मेरे बेटे को बंदर बना के रख दिया तुमने। ये क्या कह रही हैं आप? क्यों बहरी हो, सुनाई नहीं दिया तुम्हें? मैंने क्या किया आंटी? इतनी अनजान मत बनो। अमर कहाँ है? वो ऑफिस चले गए। इतनी जल्दी? ऑफिस से पहले कुछ जरूरी काम था, इसीलिए जल्दी निकल गए। और सुनो, तुम अपनी लिमिट्स में रहो तो बेहतर होगा। बहुत दफा तुम्हें मैं समझा चुकी हूँ, जो मैं तुम्हारे साथ करने वाली हूँ ना, तुम्हारे 14 तबक रोशन हो जाएंगे। मैं अपनी लिमिट में ही हूँ। हाउ ओवर स्मार्ट, ऊपर से भोली सी शक्ल बना लेती हो और अंदर ही अंदर कार्रवाइयाँ कर रही हो। खैर, मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी थोड़ा ही करने दूंगी। तो मेरा बेटा ही बेकार है, चोरू का गुलाम बना हुआ है। And listen, ये तुम ऑफिस मत जाया करो। तो तुम्हें जो कुछ बनाना था बना दिया, दैट्स इट। लेकिन मुझे अहमद कहते हैं तो मैं जाती हूँ, आप खुद अहमद को मना कर दें। वो अगर किसी काम का होता तो नौबत यहां तक पहुंचती? सारा बीबी चली गई? जी बीबी जी, थोड़ी देर हुई है वो चली गई। ओके बीबी जी, ये कागज मिला है, ये फेंक दूं? सारा स्लीपिंग पिल्स ले रहे और वो भी इतनी हाइपरटेंसी की, क्यों? किसी ऑफिस बॉय के हाथ भिजवा देते, कोई था नहीं? मेरा ना बुरा लगा आपको, आपका मूड क्यों ऑफ है? ये क्या आप कर रहे हैं? बहुत आर्टिफिशियल होते जा रहे हो जान तुम। मैं या तुम? तुम देखो, अगर तुम्हें मेरे यहाँ जॉब करने पर एतराज तो मैं कल से नहीं आऊंगा। मुझे क्या प्रॉब्लम होगी अजान, बल्कि मुझे तो खुशी है कि कुछ नहीं, यही कि मामानी की परेशानी कम होगी और मामू की वफात के बाद घर के जो हालात थे। तो तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ? ऐसा ही है, मैंने खुद नहीं बनाया हुआ। ऐसा ही ताबीर, क्या मैं तुम्हें नहीं जानता? अजान सर, आपको मैडम जारा बुला रही, फोटोग्राफर आ गए। ना तुम, एक्सक्यूज मी। तो हमारे जो कंपेन के मेल मॉडल होंगे वो अजान होंगे। अजान सर, आपको मैडम जारा बुला रही, फोटोग्राफर आ गए। पानी जैसे कहे प्यार।
तुम जो मर्जी कर लो अजान, मुझे अब तुम्हारी किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ हाँ रास्ते में हूँ मैं, आ रहा हूँ बस। अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, लंच साथ पे करेंगे। नहीं अहमद, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर जाना चाह रही थी। क्यों, क्या हुआ? बस ऐसे सर में दर्द है। तो मैं आके सर दुबा देता हूँ, सारा दर्द ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं मेडिसिन खा लेती हूँ और वैसे भी घर जाके रेस्ट करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। ओके, लेकिन हाँ दवाई लाजमी खाना। बाय बाय। फिर से आप इतनी गर्म चाय कैसे पी लेते हैं? अगर चाय ठंडी ही पीनी हो तो इससे अच्छा इंसान कोल्ड ड्रिंक पी लो। वैसे ये अच्छी आदत नहीं है। मैडम आदत तो आपकी भी पड़ गई, क्या ये भी अच्छी आदत नहीं? ये तो आपको पता हो। यही कि मैडम हमने मोहब्बत की शादी की है। हमने या सिर्फ मैंने? शादी दो लोगों के दरमियान होती है। हमने शादी की है, उसमें मेरी रजामंदी भी शामिल है। तो तुम्हें मेरी मोहब्बत पे यकीन क्यों नहीं? ये आपसे किसने कहा? मुझे कभी कभी लगता है ऐसा। गलत लगता है। देखो ताबी, मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, ये तूफानों और जिंदगी के नशेबो फराज पे भी काम रहती है। मोहब्बत करने वाले हर मैदान से सुरखरू होके निकलते। मुझे तो कभी भी एक लम्हे के लिए भी आपके जज्बे पर शक नहीं हुआ। दुख तो सिर्फ इस बात का है कि आपकी जिंदगी से जुड़े हुए लोग मुझे कभी कबूल ना कर सके। इससे क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है फर्क अहमर। वो भी कबूल कर लेंगे, हम अपनी जगह मजबूती से खड़े हैं ना। वो भी एक दिन हमारे जज्बात की कदर जरूर करेंगे। और वैसे भी मोहब्बत में बहुत ताकत होती है और इसका अंदाजा तुम्हें आने वाले दिनों में हो जाएगा। जिंदगी अपने कितने ही रंग बदले लेकिन मोहब्बत का रंग कभी मांद नहीं पड़ना चाहिए। मैं तुमसे आज फिर वादा करता कि हालात कैसे भी हो मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं भी आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, मुझे खुद से ज्यादा आप पर यकीन है। और मुझे तुम पर। आपने तो बात ही खत्म कर दी। थाबीर, I truly love you. I love you too, Ahmed.